नमस्कार। आज किसान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी कृषि से जुड़े हुए, कृषि कार्य में संलग्न सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आप सबको पता है कि कृषकों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में उनकी जयंती पर इस कार्यक्रम को हम लोग बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये भी पता है कि भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश सदा से रहा है। ये अपने ऋषि और कृषि के विविध प्रयोगों के लिए, उनके उपयोगों के लिए और उसकी संपूर्ण वैविधता के लिए दुनिया में जाना जाता है। आज हम कृषकों को अन्नदाता तो बड़े सम्मान से कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कृषि कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी सामाजिक स्थिति पर जब चिंतन करेंगे तब आप हतप्रभ रहेंगे। इनसे जुड़े लोग उनकी शिक्षा, चिकित्सा और आज की इस तकनीकी दुनिया के साथ कितना संपर्क हुआ है, वे लोग कितना इस दुनिया के साथ अपडेटेड फॉर्म में काम कर पा रहे हैं, इन सब विषयों पर हमें चिंतन की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ मुझे ये लगता है कि जब हम अपनी कृषि व्यवस्था को पूरी तरीके से अपडेटेड करेंगे, जीवन अनुकूल करेंगे, तब हम अपने जीवन को सुख और समृद्धि के मार्ग पर ला सकेंगे। आप सबको पता है कि आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ इस तरह का हुआ कि वैज्ञानिक उपकरणों और उपयोगों के द्वारा जीवन में सुख सुविधाओं की तो वृद्धि हुई है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं ने भी जन्म लिया है। उन सब से भी आप अछूते नहीं हैं, भली भांति उनको जानते हैं। इस स्थिति के साथ आज हमारा जो लाइफ स्टाइल चल रहा है इसमें कहीं न कहीं ऐसे भी कारण जुड़े हुए हैं जिनका सीधे संबंध इस व्यवस्था के साथ आता है। तो किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग, किस तरीके से हम अपनी फार्मिंग को जीवन और स्वास्थ्य के अनुकूल बना सकते हैं, इन विषयों पर सामूहिक प्रयास होने चाहिए। तो आज के इस पवित्र दिवस पर उन सभी महान भावों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज भी दिन रात अपने पसीने को बहा करके प्रबल और प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा एक आर्थिक गतिविधि का महज आधार बनाकर इस पूरी मानवता की सेवा करते हैं, उसको पोषित करते हैं। तो ये सच में एक बड़ा ही महनीय कार्य है। मुझे बहुत गौरव इस बात पर है कि मेरा अपना विकास इसी ही व्यवस्था के साथ हुआ है जो सदा मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ी रहेगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।